वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर पापिया बेगोनिया। हेल्थ, मेडिसिन और न्यूट्रिशन के ऊपर इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल में आप सबका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। आओ सिखाओ अंडे का फंडा, ये नहीं कोई मामूली बंदा। ये गाना मुझे तो बहुत पसंद था। अंडे से रिलेटेड बचपन की एक और एड है जो मुझे बहुत याद आती है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। मंडे टू संडे दिन या रात खाओ साथ अंडे ही अंडे, ऑमलेट खाओ बॉयल खाओ या कच्चे ही खाओ। ये एडवर्टाइजमेंट लोगों को एग खाने के लिए एनकरेज करने के लिए था। रिसेंट टाइम में लोग एग्स को खाने से डरते हैं, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ जाएगा, कितने अंडे एक दिन में खा सकते हैं, अंडा खाने से हार्ट डिसीज होने का रिस्क तो नहीं है। अलग कैटेगरी के लोग हैं जो एग खाते तो हैं लेकिन सिर्फ एग व्हाइट खाते हैं, एग योक को छोड़ देते हैं। सबसे टेस्टी पार्ट होता है जिसके लिए बचपन में हम भाई बहन आपस में लड़ते थे। आज मैं ये सारे सवाल के जवाब देने की कोशिश करूंगी। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। क्वेरीज या कमेंट में शेयर करिए। आपके कमेंट्स मुझे बहुत एनकरेज करते हैं जिससे मुझे पता चलता है वो टॉपिक में डिलीवर कर रही हूँ वो बाकी में यूजफुल है कि नहीं। वेजिटेरियंस के लिए मिल्क रिकमेंड किया जाता है एज ए सोर्स ऑफ कंप्लीट न्यूट्रिशन पैकेज। सेम वे फॉर द नॉन वेजिटेरियंस एग इज रिकमेंडेड एज ए कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। एग व्हाइट एंड एग योक बोथ कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन। एक अंडे के अंदर ऑन एन एवरेज 6 से 10 ग्राम तक प्रोटीन होता है डिपेंडिंग ऑन इट्स साइज। प्रोटीन के साथ साथ 9 से 10% फैट होता है। एग में कार्बोहाइड्रेट शुगर ना के बराबर होता है। अलोंग विद दैट इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम बहुत कम होता है। अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन जो अंडे में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज विटामिन ए डी E, K, B12 and omega-3 fatty acid. सारे विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लोग एग खाने से डरते क्यों? तो एग के नेगेटिव इंपैक्ट के पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कोलेस्ट्रॉल। जनरल एजम्पशन अमंग द पॉपुलेशन दैट एग खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। 185 टू 200 मिलीग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल एक अंडे में होता है। क्या एग खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है समझने के लिए कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन। जनरल पॉपुलेशन थिंक्स दैट कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज के अंदर जमा हो जाता है, आर्टरी ब्लॉक होने लगती है, एंजाइना, ट्रक्शन, हार्ट अटैक एंड अदर कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस अलोंग विद इंक्रीज्ड बीपी हो सकती है। वी मस्ट अंडरस्टैंड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल इज नॉट सेम, दे आर टू टोटली डिफरेंट थिंग। कोलेस्ट्रॉल इज अ बिग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर बड़ा होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट लिपोफिलिक सब्सटेंस है जो फैट में आसानी से घुल जाता है। फैट अनकॉम्प्लिकेटेड चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दे आर क्लोजली एसोसिएटेड। इंक्रीज इन फैट इन टर्न लीड टू इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल लेवल। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल प्रीडोमिनेटली 4 फॉर्म में होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, वेरी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। ट्राइग्लिसराइड इज अ कंपाउंड ऑफ फैटी एसिड। ट्राइग्लिसराइड एक्ट एज ए वेहिकल कैरियर फॉर द कोलेस्ट्रॉल। एब्सोल्यूट कोलेस्ट्रॉल लेवल के बजाय ध्यान देना जरूरी है कि बॉडी में रेशियो क्या है बिटवीन एचडीएल एलडीएल एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल वर्सेस एलडीएल लेवल बढ़ा हुआ है, एलडीएल वर्सेस एचडीएल लेवल बढ़ा हुआ है तो डेंजरस है। टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल इज द मेन रिस्क फैक्टर। अंडा खाते हैं उसका जो कोलेस्ट्रॉल है क्या वो कोलेस्ट्रॉल हमारे टोटल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है ब्लड में या हमारे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है? जब हम कोई कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग फूड खाते हैं बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ही लिमिटेड होता है। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की दो इंपॉर्टेंट सोर्स है, वन इज डायट्री कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग जो फूड खाते हैं वो एक सोर्स है, एंड अनदर सोर्स इज आवर लिवर रिसर्कुलेट द कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर बॉडी। डायट्री कोलेस्ट्रॉल only 20-25% कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मोस्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन आवर ब्लड इज एक्चुअली रीसर्कुलेटेड रीयूज कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लिवर टू बाइल, बाइल टू ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। अगर हमारे ब्लड में ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल एक नॉर्मल लेवल में है तो हमारे डायट्री कोलेस्ट्रॉल बहुत ही कम एब्जॉर्ब होता है। अंडा जब आप खाते हैं उसमें 200 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल है उसमें से 10-15% ओनली एब्जॉर्ब होगा। दैट मींस वन एग कैन गेट यू अप्रोक्सीमेटली 30 मिलीग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल, दैट इज नेग्लिजिबल। अगेन डिपेंड करता है व्हाट इज योर डायट्री पैटर्न।
हाई फैट कंटेनिंग फूड खा रहे हैं, रेड मीट, फुल फैट डेयरी, तला हुआ खाना, बेकरी आइटम्स, चीज, बटर, ये सब चीजें अगर खाते हैं तो ऑलरेडी आपका कोलेस्ट्रॉल इंटेक बहुत ज्यादा है. देन यू कैन नॉट ब्लेम एग फॉर योर हाई कोलेस्ट्रॉल. बट इफ यू आर हैविंग ए नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल, ईट ए बैलेंस्ड डाइट, देन टेकिंग 1 to 2 eggs पर डे, मे बी 4 to 5 eggs पर वीक इज नॉट एट ऑल डेंजरस फॉर यू. एग इज द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी. एग आइडियल प्रोटीन कंपोजिशन, प्रोटीन एब्जॉर्प्शन सोर्स को रिप्रेजेंट करता है. एग का प्रोटीन है वो नियरली फुल्ली डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में. पर एग करीब करीब 10 से 12 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है. डेली प्रोटीन नीड का नियरली 1/4 है. एग प्रोटीन इज ए बैलेंस्ड सोर्स ऑफ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड. एग प्रोटीन की कंपोजिशन, उसमें जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं वो बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं. एसेंशियल एमिनो एसिड बॉडी की इम्यूनिटी, सेलुलर फंक्शन को मेंटेन करने में बहुत मदद करता है. एग में एक और कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड कोलिन. कोलिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन्स. ब्रेन की न्यूरॉन्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कोलिन बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर आर वेरी लेस फूड दैट सप्लाई कोलिन. एग कैन बी अ वेरी गुड वे टू इनटेक कोलिन इन योर बॉडी. एग प्रोटीन में कम से कम 40 डिफरेंट वैरायटी के प्रोटीन्स होते हैं. आउट ऑफ दिस ओवा एल्बुमिन, ओवा ट्रांसफेरिन, ओवा म्यूसिन एंड फ्लेबो प्रोटीन्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इम्यूनिटी, बॉडीज एबिलिटी टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो एग हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सारे प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट इम्यून सेल प्रॉपर फंक्शन करने में मदद करता है. कोलेस्ट्रॉल इज नॉट ऑलवेज बैड. कोलेस्ट्रॉल इज अ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी. Without cholesterol, we cannot survive. Each and every cell of our body needs cholesterol. हर एक सेल का जो आउटर लेयर होता है वो कोलेस्ट्रॉल से बना होता है. अगर कोलेस्ट्रॉल ना हो सेल मेम्ब्रेन होगा ही नहीं. सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा तो कोई भी सेल सर्वाइव नहीं करेगा. कोलेस्ट्रॉल इज द बैकबोन फॉर हॉर्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन एंड वेरी इंपॉर्टेंटली विटामिन डी. कोलेस्ट्रॉल का सोर्स ना हो तो ये सारे हॉर्मोन सिंथेसाइज नहीं होंगे बॉडी में. एंड कोलेस्ट्रॉल इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर डाइजेस्टिव फंक्शन. स्टमक को फैट डाइजेस्ट करने के लिए बाइल जूस चाहिए एंड बाइल जूस बेसिकली कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग सब्सटेंसेस. कोलेस्ट्रॉल ना हो तो बाइल जूस भी नहीं बनेगा, फैट कंटेनिंग फूड डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा. दे आर वेरियस स्टडीज कंडक्टेड ऑन एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एग एंड कोलेस्ट्रॉल. क्या एग कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, किस कैटेगरी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, एग खाने से कार्डियोवास्कुलर रिस्क कितना हो सकता है. Some favorable results, some unfavorable results. This is a very controversial and very complicated subject. Egg is a very good source of protein. Individual protein constituent in the egg is very crucial for our body. Egg mein jo fat hota hai mostly unsaturated hota hai. That is not bad for our body. But all this fact depends on that. What is your age, gender, lifestyle, sedentary life jeete hai ya active life jeete hai. And what is your dietary pattern? किस तरह का खाना आप खाते हैं? Normal body weight के हैं, cholesterol level normal है, trying to maintain good health, do exercise regularly, without tension you can consume 1 or 2 eggs per day and this will be very beneficial for you. For the person with obesity, high cholesterol level, very bad food habit, high fat containing खाना खाते हैं बहुत ज़्यादा, obviously addition of egg in your diet will not give you any benefit, उल्टा ये आपको नुकसान करेगा. तो स्टडीज में ये भी देखा गया है कि जो कीटो डाइट में होते हैं, जो टोटली एनिमल फैट बेस्ड खाना खाते हैं, वो अगर साथ में एग भी खाते हैं तो भी उनका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता. ऑन द अदर वे जो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे है, अंडा खाते हैं तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है. इफेक्ट ऑफ एग डिपेंड्स ऑन बॉडी टाइप एंड डाइटरी पैटर्न. कंज्यूमिंग 1 to 2 eggs पर डे, 4 to 5 eggs पर वीक इज एब्सोल्युटली नॉर्मल फॉर ए पर्सन हैविंग नॉर्मल बॉडी वेट, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल, हैविंग ए मॉडरेटली एक्टिव लाइफ, गुड न्यूट्रिशियस डाइट एंड मेंटेनिंग ए गुड लाइफ स्टाइल. थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए. ये चैनल का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, तो प्लीज आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. Like and support. Notification bell ko on kar dijiye to get on time information about every new video. Thanks for watching. Be happy, be healthy. See you next time.